तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वही चार लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक एक करके उन जॉम्बीज को मार रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम में वो लोग दिखाए जाते हैं जो कि समझ चुके होते हैं कि उन्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि सुबह से बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आ और जा चुके हैं और उनमें से कोई भी उन्हें रेस्क्यू करने नहीं आया। इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट के लिए वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब हमें ऑन्जो के फादर दिखाए जाते हैं जो कि उन पॉलिटिशियंस को रेस्क्यू करवाने में लगे होते हैं, और तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उन लोगों को रेस्क्यू कर सेफ जगह पर लेकर चला जाता है। अब हमें न्यूज़ में ये बताया जाता है कि ये जो वायरस है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है, और ये लोग ये भी बताते हैं कि ये जो वायरस है ये छूने से फैलता है। अब हमें यहाँ पर गवर्नमेंट की मीटिंग दिखाई जाती है जो कि इस वायरस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके होते हैं। हमें यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि दूसरे शहर के लोग इस शहर के लोगों को अपने शहर में नहीं आने दे रहे होते हैं। अब सोशल मीडिया पर इस वायरस का मजाक उड़ाया जा रहा होता है और इस वायरस को लेकर गलत गलत अफवाहें फैलाई जा रही होती है, और एक बंदा सोशल मीडिया पर जॉम्बी डांस कर भी दिखाता है, और इसी के साथ गवर्नमेंट अपनी स्पीच जारी रखती है। अब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोयुंग विंडो से वापस आ जाता है। वो वहाँ पर सभी को बताता है कि कैसे उन पर जॉम्बीज ने हमला कर दिया, और इसी के चलते उसे और सुन को अलग होना पड़ा, और ये सुनकर ऑन्जो बड़ी उदास हो जाती है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। उस बुली से बचते हुए सुन लाइब्रेरी में घुस जाता है जहाँ पर उसे एक बंदा दिखता है जो कि सभी ज़ॉम्बीज से बचकर बुक शेल्फ के ऊपर बैठा होता है। अब यहाँ पर सुन भी उसी के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो लड़का उसे नीचे गिरा देता है, और तभी वहाँ पर एंट्री होती है उस बुली लड़की की जो कि उस बंदे को सुन समझकर ज़ॉम्बीज के बीच में फेंक देता है, और अब सारे ज़ॉम्बीज उसी को काट लेते हैं। अब सुन और वो बुली लड़का बुक शेल्फ के ऊपर भागना शुरू कर देते हैं। वो बुली लड़का सुन से कहता है कि अगर तुमने मुझे फोन दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन सुन ऐसा करने से मना कर देता है। तो वो बुली लड़का उसके पीछे भागने लगता है और वो बुली लड़का बिल्कुल नरूटो रन करते हुए भाग रहा होता है। अब वो बुली लड़का सुन को आखिर पकड़ ही लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे सॉरी नहीं बोला तो मैं तुम्हें ज़ॉम्बीज के बीच में फेंक दूंगा, लेकिन सुन अपना फोन लेकर उसके सर पर वार करता है जिससे वो सीधा जाकर ज़ॉम्बीज के बीच में गिरता है और ज़ॉम्बीज उसे काटना शुरू कर देते हैं। अब उन ज़ॉम्बीज की नज़र सुन पर पड़ जाती है और वो सारे बुकशेल्फ्स गिराता हुआ बाहर की तरफ भागने लग जाता है। अब हमें फिर से वही टेरेस वाला लड़का दिखाया जाता है जिसकी फ्रेंड अभी तक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुई होती है, लेकिन इसने पिछले एपिसोड में ही सुन पर हमला किया होता है। अब हमें फिर से सुन दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज से भागता हुआ पतली सी जगह में जाकर छुप जाता है। अब ये जो बो एनआरओ वाली टीम होती है ये ज़ॉम्बीज को मारते हुए पहुंचते सीधा मेडिकल रूम में जहां पर इन्हें कंप्यूटर मिलता है और ये सब उसे शुरू करने में लग जाते हैं। अब हमें फिर से सुन दिखाया जाता है जिसके मोबाइल की बैटरी सिर्फ 7% बाकी होती है। अब हमें फिर से गवर्नमेंट दिखाई जाती है जो की बताती है कि उन्होंने टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया है क्योंकि इस वायरस के ऊपर बहुत सारी अफवाहें उठ रही है और यहाँ मेडिकल रूम में ये लोग कुछ भी एक्सेस कर नहीं पाते हैं। अब हमें फिर से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़कियां बात कर रही होती है कि ऑन्जो और सुन के बीच में कुछ चल रहा है। यहाँ पर सोयुंग ऑन्जो से बात करने जाता है और बताता है कि सुन को जिंदा ही होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑन्जो को याद आता है कि उनकी क्लास में एक बंदा बैठा है जिसने एक बार ड्रोन बनाया था। वो उसके पास जाती है और उससे ड्रोन के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि ड्रोन दूसरे रूम में पड़ा है। अब यहाँ पर ये मोटा लड़का कहता है कि मैं जाकर उसे लेकर आऊंगा, लेकिन सभी लोग इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और लास्ट में डिसाइड होता है कि ऑन्जो और वो लड़का जिसने वो ड्रोन बनाया था वही उसे लेने जाएंगे। अब हमें वो ऑफिसर और उसका साथी दिखाया जाता है जो कि भागते हुए पहुंचते सीधा एक रेस्टोरेंट में है। अब ये वही रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर वो लड़की और उसका बेबी मौजूद होते हैं। वो लड़की तो ज़ॉम्बी बन जाती है लेकिन उसका बेबी अभी भी वहीं होता है। वो पुलिस वाला उसे उठाता है और फ्रिज से दूध पिलाने लग जाता है, और अब ये दोनों बैठ कर यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि आगे क्या करना है। अब हमें ऑन्जो दिखाई जाती है जो कि उस ड्रोन वाले रूम में पहुंच जाती है और उसके पैरों के पास वही चूहा घूम रहा होता है जिससे इस सब की शुरुआत हुई है। अब हमें सोयुंग और क्लास की प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, और क्लास की प्रेसिडेंट सोयुंग की इतनी केयर देखकर उसे शर्माने लग जाती है। अब हमें सुन दिखाया जाता है जो कि हिम्मत हार चुका होता है। वो सोचने लग जाता है कि वो जल्दी ही मरने वाला है और उसकी आंखों के सामने उसके दोस्तों के साथ बिताए हुए सारे पल आने लग जाते हैं, लेकिन इस सबसे उसे हिम्मत मिलने लग जाती है और अब वो उस जगह का गेट तोड़कर बाहर भागने लग जाता है ज़ॉम्बी से बचते हुए। अब क्लास में सोयुंग और वो बंदा ड्रोन को लेकर पहुंच जाते हैं और अब वो तीर धनुष वाली टीम इमरजेंसी फोन को ढूंढने के लिए तीर धनुष वाले रूम में जाने लग जाते हैं, और ये सभी एक एक करके नीचे वाले फ्लोर पर कूदने लगते हैं, लेकिन अब वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे वो तीर धनुष वाली लड़की एक तीर मार देती है और वहाँ से नीचे कूद जाती है, और उसके नीचे कूदते ही वहाँ पर वो ड्रोन आ जाता है
जूकी देखता है कि वहाँ के सभी जॉम्बीज के सर में तीर घुसा हुआ है। और अब यहाँ पर ये बंदा बताता है कि इसकी बहन भी स्कूल में आर्चरी खेलती है, तो वो लड़की किसी और को नहीं बल्कि इसे ही ढूंढने आ रही है। ड्रोन को घुमाते समय इन्हें शान दिख जाता है जो कि म्यूजिकल रूम में होता है। और ये सब कुछ देख कर सोयुंग और ओंजा हक कर लेते हैं और उन्हें ऐसा करते देख वो क्लास की प्रेसिडेंट जलने लग जाती है। अब सुन के मिल जाने पर ये लोग ड्रोन को बाहर की तरफ उड़ाने लग जाते हैं ताकि ये लोग जान सके कि बाहर के हालात क्या है। और तभी एक लड़की को अपनी फैमिली की गाड़ी दिखती है जिसके पास ले जाने पर हमें दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और ये सब देखकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। अब हमें फिर से वही पॉलिटिशियन दिखाया जाता है जो कि क्वारंटीन जोन पहुंच चुका होता है। वहां पर उन लोगों को बहुत गंदी तरह से ट्रीट किया जा रहा होता है। वो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो उनके ऊपर सैनिटाइजर डाल दिया जाता है। अब हमें फिर से वही बुली लड़का दिखाया जाता है जो कि जॉम्बी के काटने के बाद भी जॉम्बी नहीं बना होता। अब हमें मिस्टर ली का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने कंप्यूटर में देख कर बोल रहे होते हैं कि ये वायरस कुछ लोगों पर अलग तरह से असर करता है और वो लोग जॉम्बीज के काटने के बाद भी जॉम्बी नहीं बनते क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और ये वायरस गुस्से को ही बढ़ाता है। और अब ये बुली लड़का यहाँ पर जॉम्बीज के बीच में से निकलता है लेकिन एक भी जॉम्बी से नहीं काटता। और अब ये जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि सुन मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए देखना नेक्स्ट एपिसोड जो कि मिलेगा इसी चैनल पर। तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब।